हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आप सभी तक रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही रिक्रूटमेंट के ऊपर जहां पर टीचिंग फैकल्टी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1 Grade 2 के लिए यहां पर क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, कितनी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका से मांगा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैंडल किया जाता है। यहाँ पर 27 जुलाई 2024 को एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसमें इन्होंने फैकल्टी पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जिन डिपार्टमेंट से यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से पोस्ट मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर इसी के आगे मेंशन किए गए हैं। आप जिस भी कैटेगरीज में फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके आगे आपको क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना है। जैसे कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोगों का यूजी बीई बीटेक होना चाहिए या उससे रिलेटेड कोई पोस्ट पर कोई सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। पीजी भी यहाँ पर मांगे गए हैं, आपके पास से एमई या एमटेक का सर्टिफिकेट या डिग्री हो। साथ ही साथ यहाँ पर पीएचडी भी मांगा गया है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर हर सब्जेक्ट में मांगे गए हैं। आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में यूजी पीजी और साथ ही साथ पीएचडी होना ज़रूरी है तो ही आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वहीं केमिस्ट्री में यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से पोस्ट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पोस्ट मांगे जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस से यहां पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर मेटलॉर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग से पोस्ट मांगा जा रहा है। साथ ही साथ फिजिक्स से यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। ह्यूमनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर वाटर रिसोर्स एंड ओशियन इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस मैनेजमेंट से फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन मेंशन है इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन आपके पास है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर एथिक्स, फिलोसफी, इंग्लिश, कंपेरेटिव लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, ELT, कल्चर स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, गवर्नेंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिसिस, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेशन, जैसे कई स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है। आपको इसे अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद ही अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगा जा रहा है, आप देख सकते हैं जो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी वो क्या है। तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1 और Grade 2 के लिए यहाँ पर सैलरी मेंशन है। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 10 भी रखा गया है, 11 भी है और 12th भी है। आपका यहाँ पर तकरीबन 96 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसमें से रेगुलर वैकेंसी जो है वो 87 सीटों पर मांगे जा रहे हैं, यानी कि जो न्यू वैकेंसी है और बैकलॉग की जो पिछले समय में जिसकी सीट फिल नहीं हो पाई थी उसके लिए भी यहाँ पर 9 सीटें रखी गई हैं। कुल टोटल यहाँ पर 96 यानी कि 96 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट है और प्रोफेसर का भी पोस्ट है, तो 2 सीटें यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं, 2 सीटें यहाँ पर प्रोफेसर के लिए भी निकल कर आया हुआ है।
जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 17 अगस्त 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोगों को फाइनल प्रिंट आउट का पीडीएफ और साथ ही साथ जो आप लोगों के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सभी को इस फाइनल प्रिंट आउट के साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड कर लें, और उसके बाद आप लोगों को सेंड कर देना है दिए गए इस एड्रेस पर। यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, इसी एड्रेस पर आप लोगों को सेंड कर देना है 23 अगस्त 2024 से पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए, ताकि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हों उन्हें यहाँ पर इनविटेशन दिया जा सके इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 2500 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को। तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।